हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैक्सिमम मिनिमम के खतरनाक सुपर शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, और ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है बेटा, आप इसको क्वेश्चंस को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो बड़ी धमाकेदार ट्रिक्स है भाई, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा भाई, बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। मैक्सिमम भी पूछता है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। मिनिमम भी मैंने निकाली बता रखी है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको देखना अगर आप मिनिमम भी जाना चाहते हो। पूरा कॉन्सेप्ट बता रखता है, पर जो पूछता है मेन चीज वो मैं आपको बता रहा हूँ। x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम कैसे निकालेगा, कुछ नहीं करना आपको, देखना है कि सिमेट्री है या नहीं। यहां सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब समानता, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स डालो, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, यहां भी नहीं पड़ रहा और यहां भी नहीं पड़ रहा। तो सिंपल सी बात है, क्या करो, एक्स प्लस वाई को बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ दो। तो दो थे तो बराबर बराबर कितने गए, 20। तो 20 इंटू 20, तो आंसर आ गया इसका 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, इफ एक्स प्लस वाई दे रखा है 70, ठीक है, तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। चैंपियन होगा, एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, ये दिया होगा पक्का। तो 35 इंटू 35 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा भैया, 35 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 और 4 की 12, खत्म आंसर। और चलो जी, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे देता है, उल्टा दे देगा, आपके पास x इंटू वाई दिया होगा और x प्लस वाई की मिनिमम पूछ लेगा। मिनिमम पूछेगा, कोई टेंशन नहीं है, वही काम करना है, सिमेट्री है, हाँ है, तो दोनों को बराबर हिस्सों में ब्रेक करो। तो x इंटू वाई की गुणा 16 का वाई की जब 4 इंटू 4 होगा, तो 4 इंटू 4 होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1। समझ गए, मैक्सिमा का वीडियो भी देखना है तो वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, देखना उसको। पर नहीं पूछता, जो पूछ रहा है वही मैं आपको पांचवी बार बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिमेट्री बिल्कुल हर जगह सिमेट्री है। तो एक्स इंटू वाई 100 है, तो ऑब्वियसली 10 इंटू 10 हो गया, तो ये आ गया प्रॉब्लम, खत्म। अब देखना ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे भाई, ठीक है जी। अब एक आया हुआ क्वेश्चन बताते हैं, तूफानी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई थ्री, ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो क्या करना है आपको, आपसे पूछता है टेन ए इंटू टेन बी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम बतानी है। फिर वही काम, सिमेट्री है, बिल्कुल है भैया, ए की जगह बी डालो, बी की जगह ए डालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 60 डिग्री आ रहा है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 30, तो आ गया 1/√3, 1/√3, कितना आ गया, 1/3 आ गया। बात समझ में आ गई, तो इसी टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स है भाई, करके देखना, बड़ी काम आएंगे, और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। ओके बच्चों, तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी आपको आज ही मिलेगी थोड़ी देर में, वेट करो, गजब की शॉर्ट ट्रिक है वो भी। ओके बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।